इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज तो ड्रॉ रही, अब बारी है टी टू डे सीरीज की और देखते हैं इसमें कौन बाजी मारता है। पहला टी टू डे मैच खेला जाएगा 27 जुलाई को और मैं आपके सामने हाजिर हूँ एमएसपी लेकर, जहां पर हम बात करने वाले हैं कैसा हेड टू हेड रिकॉर्ड, प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 कैसे है दोनों टीम्स का और बहुत सारे अमेजिंग स्टैट्स के बारे में। गाइस एक बात की गारंटी है, अगर आप वीडियो एंड तक देखोगे ना तो आपका जो मैच देखने का मजा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शुरुआत करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड से। बोथ द टीम्स हैव फेस्ड ईच अदर इन 22 टी ट्वेंटी मैचेस सो फार। इंग्लैंड जीता है 11 टाइम्स, साउथ अफ्रीका जीता है 10 टाइम्स और एक मैच का को रिजल्ट थी ना। अब देखते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसा है इंग्लैंड में जहां पर ये टी ट्वेंटी सीरीज खेली जाएगी। तो 7 बार हुआ इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड जीता है 3 टाइम्स जीता है साउथ अफ्रीका और एक मैच का को रिजल्ट थी ना। मैच खेला जाएगा ब्रिस्टल के कंट्री ग्राउंड में, यहाँ के पिच बैटर्स को सपोर्ट करेगी और जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करना चाहेगी। Let's talk about the milestones that these bowling players would achieve in this match. Johnny Bairstow requires just 1 6 to complete 50 sixes in the T20Is. T20Is mein 200 fours complete karne ke liye Quinton de Kock ko chahiye sirf 6 fours. Johnny Bairstow is just one grab away from completing 300 catches across formats. Aidan Malcolm requires 5 fours to complete 50 fours in the T20Is. JP Duminy ko peeche chhodne ke liye Quinton de Kock ko chahiye sirf 72 runs and to become the highest run getter for South Africa in the T20Is. International cricket mein 150 wickets complete karne ke liye Lungi and Gidi ko chahiye sirf 1 wicket. It's time for the most interesting part of the video, players battle. Jason Roy vs Kagiso Rubada. Jason Roy ne Kagiso Rubada ki 27 deliveries ko face kiya 32 runs kiye and 2 times Kagiso Rubada got the best out of him. Josh Butler vs Lungi Ngidi. Josh Butler ne Lungi Ngidi ki 28 deliveries ko face kiya 33 runs kiye aur 2 baar Lungi Ngidi ne Josh Butler ko pavilion ka rasta dikhaya. Pehle T20 match mein England ki taraf se player to watch out for it David Malan. 39 matches mein inke naam hai 1356 runs. ये जानते हैं एंकर का रोल कैसे प्ले करना और जब पावर हिटिंग चाहिए तो वहां पर भी इनका कोई तोड़ नहीं है। तो पहले टी20 मैच में डेविड मिलान से इंग्लैंड टीम को काफी उम्मीदें होंगी। वहीं साउथ अफ्रीका की तरफ से प्लेयर टू वॉच आउट फॉर है कैप्टन डेविड मिलर, 97 मैचेस में ऑलमोस्ट 33 की एवरेज के साथ रन्स किए। ये जानते हैं बड़ी इनिंग्स कैसे खेलनी है और लो डाउन दी ऑर्डर गेम को खत्म कैसे करना है। अब देखते हैं इंग्लैंड का प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 कैसा है। कैप्टन जॉर्ज बटलर के साथ ओपनिंग करेंगे जेसन रॉय, फॉलोड बाय डेविड मलान, उनके बाद नंबर आता है जॉनी बेस्टो का, फिर आएंगे लियाम लिविंगस्टन, मोइन अली, सैम करन या फिर हैरी ब्रुक, इन दोनों में से कोई एक होगा प्लेइंग 11 में, डेविड विली या फिर क्रिस जॉर्डन, इन दोनों में से भी कोई एक खेलता हुआ दिखाई देगा आपको टीम में, आदिल राशिद, रीस टॉपले एंड रिचर्ड क्लीसन। इंग्लैंड के बाद अब सीधा चलते हैं साउथ अफ्रीका की तरफ और देखते हैं साउथ अफ्रीका का प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 कैसा है। क्विंटन डिकॉक के साथ ओपनिंग करेंगे रीजा हैंड्रिक्स या फिर रॉयली रसो, फॉलोड बाय रॉसी वेरेंडासे, उनके बाद आएंगे ईडन मार्करम, हेनरिक क्लासेन, कैप्टन डेविड मिलर, वेन पार्नेल या ट्वेन पेटोरियस, इन दोनों में से कोई एक होगा प्लेइंग 11 में, केशव महाराज, कगिसो रुबाडा, आंड्रिक नोकिया एंड तबरेशम सी। तो गाइस हमने बात की हेड टू हेड रिकॉर्ड, प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11, माइलस्टोन्स, प्लेयर्स बैटल, पिच रिपोर्ट। आपको क्या लगता है पहले टी20 मैच में कौन करेगा जीत के साथ शुरुआत, इंग्लैंड या फिर साउथ अफ्रीका? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो आज का ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं, आई होप कि आपको एमएसपी पसंद आया होगा। अगर आया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और अगर आप चाहते हो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे बिना किसी रुकावट के तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल विजिट नहीं किया तो गाइस आप बहुत सारे अपडेट्स मिस कर रहे हो। मैं चलता हूं, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, क्रिकेट को एंजॉय करो और क्रिकेट से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए तो सीधा सीधा क्रिकेट ट्रैकर पर आओ।